हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे मिसेस एडिस। दोस्तों, ये कहानी है नॉर्थ ईस्ट में ससेक्स नाम की एक जगह की। यहाँ पर एक आंटी का झोपड़ा है जिनका नाम है मिसेस एडिस। मिसेस एडिस की उम्र 42 इयर्स के आसपास है। इनके चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, रंग सांवला है और इनका दिल बहुत ही बड़ा है। बहुत ही काइंड औरत हैं। मिसेस एडिस का एक बेटा है जिसका नाम है टॉम। दोस्तों, मिसेस एडिस अपने बेटे के साथ में एक गांव में रहती हैं। उनके आसपास काफ़ी हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, जंगल है। तो एक रात की बात है, अंधेरा बहुत ज़्यादा था, आसमान में तारे चमक रहे थे और चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। इतने सन्नाटे में अगर कोई हल्की सी हलचल भी हो तो सुनाई दे जाए। इस गहरी काली रात के सन्नाटों में एक आदमी है जो दबे पांव धीरे धीरे चुपके चुपके चल रहा था। रास्ते में मिसेस एडिस का झोपड़ा आया। झोपड़े में लाइट जल रही थी, पर्दे हटे हुए थे। तो वो आदमी जिसका नाम पीटर क्राउच है, पीटर झोपड़े में झांक कर देखता है। मिसेस एडिस खाना पका रही होती हैं। पीटर थोड़ी देर सोचता है और फिर फाइनली झोपड़े में चला जाता है। खटखटाता नहीं है, डायरेक्ट अंदर चला जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मिसेस एडिस पीटर को जानती थीं। तो जब मिसेस एडिस देखती हैं पीटर को अंदर आते हुए तो वो चौंक जाती हैं और कहती हैं, पीटर तुम? मिसेस एडिस कहती हैं कि तुमने नॉक नहीं किया पीटर। पीटर कहता है कि मिसेस एडिस, मैं नहीं चाहता कि कोई भी आवाज़ हो। मिसेस एडिस पूछती हैं, क्या हुआ, सब ठीक तो है? पीटर कहता है कि मैं बड़ी परेशानी में हूँ। और पीटर के हाथ कांप रहे होते हैं, उसका जिस्म कांप रहा होता है। मिसेस एडिस पूछती हैं कि तुमने क्या किया है? पीटर बताता है कि उसने एक आदमी के गोली मार दी है। क्या 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 कह रहा हो, तुमने गोली मार दी? हाँ मिसेस एडिस, मैंने गोली मार दी है किसी को। क्या वो आदमी मर गया? पीटर कहता है, मुझे नहीं पता। थोड़ी सी देर के लिए शांति हो जाती है, दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर के बाद मिसेस एडिस कहती हैं कि तो फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो, यहाँ पर क्यों आए हो गोली मारकर? मिसेस एडिस के लहजे में थोड़ी सख्ती थी, उनकी आवाज़ में रूखापन था। पीटर बोलता है कि मैं चाहता हूँ थोड़ी देर यहाँ पर रुक जाऊँ, क्योंकि लोग मुझे तलाश कर रहे हैं, मेरे पीछे लगे हुए हैं। मिसेस एडिस पूछती हैं, कौन से लोग? पीटर बताता है कि जंगल में जो कीपर्स होते हैं, जो लोग जंगल की देखभाल करते हैं, वो लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। मेरी लड़ाई हो गई थी कीपर्स के साथ में, चार कीपर्स थे, मैं तन्हा था, मेरे पास बंदूक थी और रात के अंधेरे में मैंने गोली चलाई और वहाँ से भाग आया। अब वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, आप प्लीज़ मुझे अपने झोपड़े में पनाह दे दीजिए। मिसेस एडिस कुछ नहीं बोलती। दरअसल पीटर मिसेस एडिस के बेटे टॉम का दोस्त है। ठीक है, मिसेस एडिस का बेटा है ना टॉम, उसका दोस्त है पीटर। तो पीटर टॉम का नाम लेते हुए कहता है कि अगर टॉम यहाँ पर होता तो मेरी मदद ज़रूर करता। मिसेस एडिस कहती हैं कि अब तुम टॉम के दोस्त नहीं रहे। चलो ठीक है, तुम यहाँ पर रुक जाओ, जब तक टॉम घर नहीं आता तब तक रुक जाओ, टॉम के आने के बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। पीटर कहता है, हाँ हाँ टॉम को आने देते हैं, तब तक मेरे पीछे लगे हुए लोग भी चले जाएंगे और मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। मिसेस एडिस पूछती हैं कि कहाँ पर जाओगे? पीटर कहता है, फ़िलहाल मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पर जाऊँगा। मिसेस एडिस पीटर को पसंद नहीं कर रही थी। ऑब्वियसली एक मर्डरर बनकर वो उनके घर में आया था, भला कोई क्यों उसे अपने घर में ठहराना चाहेगा। लेकिन फिर भी मिसेस एडिस ने कहा, चलो ठीक है, तुम थोड़ी देर यहाँ पर रुक कर सोच लो तुम्हें क्या करना है। मिसेस एडिस पीटर को ले जाती हैं। उनके किचन के पीछे एक छोटा सा स्टोर रूम बना हुआ होता है, एक शेड होता है वहाँ पर, और पीटर को रुकने के लिए कहती हैं वहाँ पर और बताती हैं कि यहाँ पर कोई भी तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा। अगर कोई तुम्हें पूछने के लिए आएगा तो मैं कह दूंगी कि मैंने तुम्हें नहीं देखा। पीटर मिसेस एडिस की बहुत तारीफ़ें करता है, उन्हें थैंक यू बोलता है। मिसेस एडिस कुछ ना कहते हुए शेड का दरवाज़ा बंद कर देती हैं। स्टोर रूम में पीटर एक कोने में बैठ जाता है, वहाँ पर काफ़ी अंधेरा होता है, लेकिन वहाँ पर एक छोटी सी झिरी होती है जहाँ से रोशनी आ रही होती है और उस झिरी में से बाहर देखा जा सकता है। मिसेस एडिस टॉम के लिए खाना पका रही होती हैं। टॉम पास के ही खेत में काम करता है।
एक घंटा बीत गया, टॉम के आने का टाइम हो गया था, लेकिन टॉम अभी तक नहीं आया था। किचन से मज़ेदार खाने की महक पीटर के स्टोर रूम में भी आ रही थी। पीटर सोचता है कि खाना वाना खाकर आराम से यहाँ से चला जाऊँगा, और ये सोचते सोचते वो वहीं पर स्टोर रूम में सो जाता है। दोस्तों, पीटर की आंख कदमों की आहट से खुल जाती है। एकदम से कुछ लोगों के चलने की आवाज़ आती है और वो जाग जाता है। पीटर बहुत घबरा जाता है और उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। पीटर समझ जाता है कि ये लोग कीपर्स हैं, और वो सोचता है कि इन लोगों ने पता लगा लिया कि मैं यहाँ पर छुपा बैठा हूँ। मिसेज एडिस मेरे फ्रेंड की माँ हैं, तो इन लोगों ने आसानी से पता लगा लिया होगा कि मैं इनके घर में आकर छुप जाऊँगा, अपने दोस्त के घर में आकर छुप जाऊँगा। कितना बेवकूफ़ हूँ यार मैं। अपने आप से बातें कर रहा होता है पीटर। वो कहता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ जो अपने दोस्त के घर में आ गया, क्योंकि ये कीपर्स बड़ी आसानी से गैस कर सकते हैं कि मैं अपने दोस्त के घर में आया होऊंगा। पीटर कोने में छुप जाता है, उसका जिस्म कांप रहा होता है और आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। लेकिन थोड़ी देर में उन कदमों की आवाज़ गायब हो गई। मिसेज एडिस पीटर के पास में आकर बताती हैं कि कीपर्स आए थे, लेकिन अब वो चले गए हैं। उनके हाथों में लालटेन भी थी। बेहतर होगा कि तुम अब यहाँ से चले जाओ। मिसेज एडिस पीटर को कैंसरॉन शहर में जाने की एडवाइस देती हैं। कैंसरॉन शहर का नाम है और यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, तो वो कहती हैं कि तुम्हें वहाँ पर ट्रेन मिल जाएगी, ट्रेन पकड़कर तुम चले जाना। पीटर कहता है, वो बात तो ठीक है, पर मेरे पास टिकट ख़रीदने के पैसे ही नहीं है। मिसेज एडिस किचन से पैसे लेकर आती हैं और वो पीटर को 7 शिलिंग्स दे देती हैं, शिलिंग करेंसी का नाम है। तो वो कहती हैं कि ये लंदन के किराए से थोड़ा ज़्यादा पैसे हैं, तुम्हारा काम हो जाएगा। पीटर मिसेज एडिस को थैंक यू बोलने लगता है। मिसेज एडिस कहती हैं कि मुझे शुक्रिया कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम टॉम के दोस्त हो और ये सब मैं अपने बेटे टॉम के लिए ही कर रही हूँ, तो मुझे थैंक यू मत बोलो। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तुम किसी मुसीबत में नहीं फंसोगे। अब कोई ख़तरा तो नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि तुम टॉम के आने से पहले यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हो सकता है कि टॉम अपने दोस्त के साथ में आए, और अगर टॉम के दोस्त ने तुम्हें देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। पीटर स्टोर रूम से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी दोबारा से कदमों की आवाज़ आने लगी। इस बार कदमों की आवाज़ काफ़ी तेज़ थी। मिसिज एडिस ने कहा कि शायद टॉम होगा, पर पीटर का यह मानना था कि टॉम नहीं है, कोई और आदमी है। मिसिज एडिस पीटर से कहती हैं कि तुम वापस से स्टोर रूम में जाकर छुप जाओ और तब तक इंतज़ार करो जब तक सब लोग यहाँ से चले नहीं जाते। पीटर स्टोर रूम में चला गया और मिसिज एडिस ने बाहर से लॉक लगा दिया, और कदमों की आवाज़ और भी ज़्यादा तेज़ हो गई, मतलब लोग झोपड़े के करीब आ गए। पीटर के दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ हो गई। वो सोच रहा था कि अब तो मैं गया काम से, अब तो मैं पकड़ा गया। पीटर स्टोर रूम की झिरी में से बाहर झांक कर देख रहा था कि क्या चल रहा है। उसने देखा कि मिसेज एडिस दरवाज़ा खोलने के लिए जा रही हैं। दरवाज़ा खोलते ही एक आदमी अंदर घुसा चला आया, और उस आदमी ने दरवाजे को बंद कर दिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो गेट से अंदर आया है ना अभी आदमी, उसका नाम है वाइडलर। जो 4 गार्ड्स पीटर के पीछे लगे हुए थे, उनमें से एक का नाम था वाइडलर। वाइडलर को देखकर पीटर के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने सोचा, न जाने अब क्या होगा। पीटर अपने आप को बेवकूफ़ बोल रहा था और काफ़ी घबराया हुआ था। हालांकि वाइडलर मिसेस एडिस को कुछ बताने के लिए आया था, पर वो बता नहीं पा रहा था। शांत खड़ा हुआ था वहां पर, कुछ बोल नहीं पा रहा था। मिसेज एडिस ने जब पूछा तो विडलर ने बताया कि मैम, मैं आपके लिए एक बुरी खबर लेकर आया हूँ। अच्छा, पीटर जो था ना, वो कान लगाकर सुन रहा था इनकी बातें। तो जैसे ही वो आदमी कहता है कि मैं आपके लिए एक बुरी खबर लेकर आया हूँ, वैसे ही मिसेज एडिस घबरा जाती हैं। देखो, उनका दुनिया में तो कोई है नहीं, सिर्फ एक बच्चा है टॉम। तो जब कोई आकर उन्हें बताता है कि आपके लिए बुरी खबर है, तो सबसे पहले ध्यान उनका अपने बच्चे टॉम पर गया। उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं, पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कहा, क्या टॉम, क्या हुआ है टॉम को, कहाँ है टॉम? कीपर ने कहा कि टॉम बाहर है। मिसेज एडिस ने कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा, और वो बाहर जाने लगी। कीपर
कीपर मिसेस एडिस को रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि आप अभी बाहर नहीं जा सकती, जब मैं कहूँगा तब आप जाना। मिसेस एडिस बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई थी, उन्होंने कीपर को धक्का दे दिया। कीपर मिसेस को बताता है कि मैम यहाँ पर एक सैंडर वुड है, सैंडर नाम का एक जंगल है, वहाँ पर लड़ाई हो गई थी। एक आदमी था जो रात के अंधेरे में खरगोश चुरा रहा था, टॉम भी पास में ही घूम रहा था, टहल रहा था, हमें कुछ आवाज़ सुनाई दी। अंधेरा बहुत ज़्यादा था, हम उस आदमी को देख ना सके। हमने उसे डराने की कोशिश की पर उसने गोली चला दी। इतना सुनकर मिसेस एडिस के मुंह से निकला, टॉम। कुछ लोग बाहर खड़े हुए थे मिसेस एडिस के घर के, और वो कीपर के इशारे का इंतज़ार कर रहे थे। कीपर की बात ख़त्म होने पर वो लोग टॉम की डेड बॉडी को किचन के फ्लोर पर लाकर रख देते हैं। मिसेस एडिस की आंखों में एक भी आंसू नहीं था। खुश्क आंखों से उन्होंने पूछा, क्या ये मर गया? गार्ड्स ने बिना कुछ बोले सर हिला दिया। दूसरी तरफ जब पीटर को पता लगा कि उसके हाथों से टॉम का कत्ल हो गया है, तो उसके जिस्म से पसीना बहना बंद हो गया और उसकी बॉडी भी कांपना बंद हो गई। उसको बहुत दुख हुआ ये जानकर। वो सोच रहा था कि कोई कीपर मरा होगा, लेकिन उसका इतना अच्छा दोस्त टॉम मर गया। पीटर अब जिंदा नहीं रहना चाहता था। वो कहता है कि जो मैंने किया है, इसके बाद अब मुझे ज़िंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। मिसेस एडिस आग के पास चेयर पर बैठ गई। कीपर्स मिसेस एडिस से कहते हैं कि हम लोग आयरन लैच कॉटेज में जाएंगे और वहाँ पर मिसेस गेन से कहेंगे कि वो आपके पास में आ जाएं, आपको कंपनी दे दें, आपको सहारा दे दें। जिस किसी ने भी ये किया है टॉम के साथ, हम उसे नहीं छोड़ेंगे, उसको फांसी की सज़ा होगी। और हमें थोड़ा बहुत आइडिया है कि गोली किसने चलाई थी। हालांकि हमने कातिल का चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन हाँ, वो अपनी गन को वहीं पर फेंक कर चला गया था। हमारे पास उसकी गन है और मुझे पूरा यकीन है कि वो गन पीटर की है। पीटर को जब भुट्टा चुराते हुए पकड़ा गया था कुछ टाइम पहले, तब उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, और उस दिन के बाद से उसका रवैया बहुत बुरा हो गया था। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये गन पीटर की है और पीटर ने ही टॉम को मारा है। लेकिन हाँ, पीटर ने जब गोली चलाई होगी तो उसे ये नहीं पता होगा कि सामने टॉम है, क्योंकि टॉम और पीटर बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, तो उसको नहीं पता होगा कि सामने टॉम है, उसने गलती से गोली चला दी होगी। लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि ये गन पीटर की ही होगी। कीपर ये भी कहते हैं कि टॉम एक बेहतर दोस्त डिज़र्व करता था। पीटर झिरी में से झाँक कर देख रहा था कि कैसे मिसेस एडिस बड़ी मुश्किल से टेबल का सहारा लेकर खड़ी हुई हैं और नीचे टॉम के चेहरे को देख रही हैं। पीटर देखता है कि मिसेस एडिस अपने एप्रन की पॉकेट में हाथ डाल रही हैं। पॉकेट में शेड की चाबी रखी हुई थी, जिस शेड में पीटर बंद था उसकी चाबी रखी हुई थी पॉकेट में। कीपर कहता है कि कुछ आदमी पीटर के पीछे लगे हुए हैं, मुझे यकीन है कि वो जल्द ही पीटर को पकड़ लेंगे। कीपर मिसेस एडिस से पूछता है कि मैम, आपने तो नहीं देखा पीटर को, शायद यहाँ पर भी आया हो। मिसेस एडिस चुप रहती हैं। थोड़ी देर के बाद बोलती हैं कि यहाँ पर तो नहीं आया, और पीटर को मैंने ट्यूसडे से नहीं देखा। और मिसेस एडिस अपने हाथ एप्रन की पॉकेट से निकाल लेती हैं। ठीक है मैम, हम लोग मिसेस गेन को लेकर आएंगे आपके पास में, और मिसेस गेन की कंपनी में आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, आपको थोड़ा सहारा मिलेगा। मिसेस एडिस कुछ बोलती नहीं है, बस सर को हिला देती हैं। दोस्तों, इसके बाद टॉम की बॉडी को बेडरूम में रखा गया था। इसके बाद कीपर मिसेस एडिस को दिलासा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कीपर के जाने के बाद मिसेस एडिस दरवाजे को बंद कर देती हैं और फिर वो शेड के पास में आती हैं जहाँ पर पीटर कैद है। पीटर को अब और भी ज़्यादा डर लगने लगा था, उसका जिस्म कांप रहा था। भला कैसे वो मिसेस एडिस का सामना करेगा, कैसे उनसे नज़रें मिलाएगा? पीटर कहता है कि मिसेस एडिस को फेस करने से अच्छा है मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। चाबी लॉक में घूमने की आवाज़ आती है और पीटर की चीख निकलने को ही थी, लेकिन मिसेस एडिस शेड के अंदर नहीं आती। वो दरवाज़ा खोलती हैं और चुपचाप अपने आप को घसीटते हुए बड़ी मुश्किल से दूसरे रूम में चली जाती हैं। ठीक है, पीटर जहाँ पर छुपा हुआ था वहाँ का दरवाज़ा खोलकर मिसेस एडिस बेडरूम में चली जाती हैं और बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर लेती हैं।
कुछ बोलती नहीं है। पीटर समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वो समझ जाता है कि मिसेज एडिस क्या बोलना चाह रही हैं। अगर मिसेज एडिस को पीटर को सज़ा दिलवानी होती तो वो कीपर्स को बता देती, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो मिसेज एडिस ये चाहती हैं कि पीटर यहाँ से भाग जाए। पीटर कुछ ऐसा ही करता है, वो दरवाज़ा खोलता है और वहाँ से चुपचाप भाग जाता है। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि मिसेज एडिस ने ऐसा क्यों करा, क्यों उन्होंने पीटर को सज़ा नहीं दिलवाई। देखिए, मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में ही बताया था कि मिसेज एडिस बहुत दयालु हैं, उनका दिल बहुत बड़ा है, और पीटर ने टॉम को जान पूछकर नहीं मारा था। गलती से उससे गोली चली थी, इसीलिए मिसेज एडिस ने पीटर को माफ़ कर दिया होगा और उसकी जान को बख्श दिया। दोस्तों क्लास 11th इंग्लिश महाराष्ट्र बोर्ड का पूरा सिलेबस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अभी जो प्लेलिस्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है, इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर कर आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे क्लास 11th के। बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने पढ़ाए हैं सभी चैप्टर्स। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।